कि मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट फिल्म है एज अ डायरेक्टर। आई प्रॉमिस यू, बच्चों को ले जाना, लेडीज को ले जाना, इट्स अ फन ओरिएंटेड फैमिली फिल्म। ये मेरी चौथी फिल्म है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इट्स माय बेस्ट म्यूजिक अप टू डेट। अपनी हर फिल्म की रिलीज पर वही बड़े बड़े दावे। इट विल बी माई बिगेस्ट हिट, इट विल बी यूटीवीज़ बिगेस्ट हिट, इट विल बी वाशुजी बिगेस्ट हिट एंड इट विल बी अमंगस्ट द टॉप थ्री हिट्स ऑफ 2013 एंड इट्स एन ओपन चैलेंज टू एनीबडी। खुद को इंडस्ट्री का एंटरटेनर नंबर वन साबित करने की जिद। आई विल नेवर मेक अ फ्लॉप फिल्म इन माई एंटायर लाइफ, यू नो व्हाई? बिकॉज मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मजा आ गया। और तो और इस बार एक कदम आगे जाकर साजिद ने कर दिया था हिम्मत वाला के फर्स्ट वीकेंड में ही 100 करोड़ कमाने का दावा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि माय फिल्म हिम्मत वाला विल क्रॉस 100 करोड़ इन द फर्स्ट वीक। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हिम्मत वाला का जो हश्र हुआ उसने शायद साजिद को अपना फेवरेट डायरेक्टर मानने वाले प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की आंखें खोल दी हैं। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर हिम्मत वाला फ्लॉप क्या हुई, साजिद नडियाडवाला ने 100 करोड़ का सपना देखने वाले अपने अजीज दोस्त साजिद खान से किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, शौक में तो नवाब साहब सैफ अली खान भी हैं। लेकिन सैफ की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल बात करते हैं एक इंग्लिश डेली में पब्लिश हुई इस खबर की, जिसके मुताबिक प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने अपनी फिल्म हाउसफुल की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट साजिद खान से डायरेक्ट ना कराने का फैसला लिया है। जी हाँ, ये वही साजिद नडियाडवाला हैं जिनके प्रोडक्शन तले डायरेक्टर साजिद खान ने हे बेबी, हाउसफुल और हाउसफुल 2 जैसी 3 सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। ये वही साजिद नडियाडवाला हैं जिन्हें साजिद खान ने बॉक्स ऑफिस पर अपने टैलेंट से 300 करोड़ की कमाई करके दी है। लेकिन अब साजिद खान की बहन फराह के राखी ब्रदर साजिद नडियाडवाला ने अपने इस भाई से किनारा करते हुए हाउसफुल 3 को नई टीम के साथ बनाने का फैसला लिया है। इंटरेस्टिंगली, जब लंदन में बैठे साजिद खान को एक पब्लिकेशन हाउस के थ्रू ये न्यूज मिली तो वो भी सरप्राइज रह गए। इस इंग्लिश डेली के मुताबिक ये खबर सुनकर साजिद का पहला सार्केस्टिक रिएक्शन था, दैट्स डैम गुड यार। हालांकि साजिद नडियाडवाला साजिद से हाउसफुल 3 डायरेक्ट ना कराने का रीजन कुछ ये दे रहे हैं। साजिद सेज, आई हैड अ 3 फिल्म डील विद साजिद खान व्हेन आई गॉट हिम टू डायरेक्ट हे बेबी एंड विद हाउसफुल एंड हाउसफुल 2 द डील इज ओवर, हेंसफोर्थ द फ्रेंचाइज व्हिच इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड एवरी 2 इयर्स विल हैव अ न्यू डायरेक्टर एवरी टाइम। आई विल स्टार्ट शूटिंग फॉर हाउसफुल 3 इन जनवरी 2014। अब साजिद नडियाडवाला तक भी ठीक था, लेकिन एक और खबर के मुताबिक हिम्मत वाला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देखकर नवाब साहब सैफ अली खान भी डिलेमा में आ गए हैं कि साजिद के डायरेक्शन में बनने वाली अगली फिल्म में वो काम करें या नहीं, जिसमें साजिद ने सैफ को बिग बी और रितेश देशमुख के साथ कास्ट किया है। सैफू मियां को लगता है कि अगर अजय देवगन जैसे बड़े स्टार और बिग बजट की फिल्म हिम्मत वाला का टिकट विंडो पर ये हश्र हुआ है तो उनके री इन्वेंट होते करियर का क्या होगा, क्योंकि एजेंट विनोद की नाकामयाबी के बाद कॉकटेल और रेस 2 से बड़ी मुश्किल से उनके करियर की गाड़ी पटरी पर चढ़ी है, तो ऐसे में एक फ्लॉप उनका खेल फिर से बिगाड़ सकती है। Well, जो भी हो, इन खबरों से एक बात तो साफ हो गई है कि ऑडियंस की चॉइस पहचानने का दावा करने वाले साजिद खान को झटका तो जरूर लगा है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम साजिद कोई भी बड़ा दावा करने से पहले 10 बार सोचेंगे और अपनी फिल्मों में माइंडलेस कॉमेडी खुद माइंडलेस होकर नहीं बनाएंगे।